हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रमोद ढाका, टीम फिजिक्स सीएलसीसी का। तो डियर, इसमें हम जो इस सेशन में हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा डीसीएम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी का। ये जस्ट आपका अभी जेई मेंस के पेपर हुए, फर्स्ट सेशन खत्म हो चुका है, सेकंड सेशन जुलाई में आपका होना है। होप कि आपका फर्स्ट सेशन बहुत अच्छा गया होगा और सेकेंड सेशन शायद इससे भी अच्छा बीतेगा। तो इसमें वैसे ही जैसे अपन ने प्रीवियसली इस सेशन से पहले, जेई मेंस के सेशन से पहले जैसे पेपर्स हो रहे थे डीसीएम के, उसी सीक्वेंस में उसी पैटर्न पे पेपर है जिसमें मेंस और एडवांस के पैटर्न में क्वेश्चंस हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे पहले मेंस के पेपर के जो 18 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनसे शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन की बात करें बेटा। क्वेश्चन नंबर वन में बोला गया था, यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू सी माइनस के टी व्हेन के आर सी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स एंड टी इज टाइम इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए and resistance capital R, the total charge that will pass through any point of the loop by the time B becomes zero. जब B zero हो जाता है तो उस time duration में उस loop से कितना total charge flow करके गया। देखो बेटा जी, यदि मैं इस loop की बात करूं, इस loop के perpendicularly अपन ने apply किए, तो इससे जो EMF generate होता है, that EMF is minus d phi by dt and that is pi A square into में B. B को यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, B की वैल्यू C माइनस के टी है, तो डिफरेंशिएट करने पर माइनस क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस ले लो यहाँ पे। तो EMF जो आ रहा है वो पाई ए स्क्वायर इंटू में C माइनस के टी, तो K आ गया। ये EMF आया तो करंट जो आएगा सर्किट में दैट विल बी EMF डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस दैट इज पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई K इंटू में R। एक तो ये वाली चीज हुई। दूसरा, यदि मैं इसमें बात करूं कि जब B जीरो हो गया, देखो सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला अपने पास है, हमसे चार्ज पूछा गया है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है बेटा जी दैट इज डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। मुझे डेल्टा फाई के बारे में बात करनी है। डेल्टा फाई इज फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स जो है वो तो वैसे भी नो डाउट, बी जीरो हो गया तो फाइनल फ्लक्स जीरो है, और ई फाई इनिशियल की बात करूं मैं तो इनिशियल फ्लक्स जो होगा दैट इनिशियल फ्लक्स विल बी मैग्नीट्यूड दैट इज सी KMT, तो T की वैल्यू जीरो पुट करने पर आ ही रहा है दैट इज पाई ए स्क्वायर। तो ये डाटा जो मेरे पास आ रहा है दैट इज C इंटू पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द टोटल चार्ज पासिंग फ्रॉम द लूप इन दिस टाइम इंटरवल फ्रॉम जीरो टू T इज इक्वल टू जीरो टू द टाइम वेयर द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो। तो अकॉर्डिंग टू दिस द थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया है कि एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस आर है और ये वी वेलोसिटी से मूविंग है डायग्राम में। द फोर्स नीडेड टू मेंटेन इट्स वेलोसिटी कांस्टेंट। यदि मुझे इस लूप को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है तो कितना फोर्स नेसेसरी होगा। देखो ये जो लूप है वैसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो अपन ये नहीं कहेंगे कि हर एक एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स जीरो है। लेकिन बेटा जी सुनो, जैसे यदि मैं किसी एक पर्टिकुलर केस में बात करूँ, यदि ये लूप वी वेलोसिटी से जा रहा है तो छोटे से किसी एक एलिमेंट पे यदि मैं बात करता हूं, जैसे ऐसे इस एलिमेंट के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस एलिमेंट के पास इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस एलिमेंट में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और सारे एलिमेंट्स का वो ईएमएफ जो होगा वो एडेड होगा। अब सारे एलिमेंट्स का ईएमएफ एड होगा तो इस लूप में करंट फ्लो करेगी। यदि आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए कि विल करंट फ्लोस फ्रॉम दिस लूप, तो वो तो फ्लो करेगी, लेकिन हर एक एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स जो होगा, ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, हर एक एलिमेंट पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो या तो अपन ने बात करें तो जो भी एलिमेंट पर फोर्स लग रहा होगा, इस एलिमेंट पर फोर्स लग रहा होगा ऐसे, इस एलिमेंट पर फोर्स आएगा ऐसे, इस एलिमेंट पर फोर्स आएगा ऐसे, इस एलिमेंट पर फोर्स आएगा ऐसे, इस वाले एलिमेंट पर फोर्स आएगा ऐसे, आई एल क्रॉस बी से अपन डिसाइड करेंगे। तो वो जो लगने वाला फोर्स होगा हर एक एलिमेंट पर वो रेडियल डायरेक्शन में लग रहा होगा, और यदि फोर्स रेडियल डायरेक्शन में सब पर लग रहा है तो नेट फोर्स जो इस एलिमेंट पर लगेगा दैट नेट फोर्स बिकम्स जीरो। मतलब इसके ऊपर अपने को इसकी वेलोसिटी मेंटेन रखने के लिए किसी एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, दिस विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर। बोलो ठीक है। अच्छा यदि मैं क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर थ्री में ये बोला गया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है दो मैग्नेट्स के बीच में, और उस मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट अपन क्या कर रहे हैं कि इनके बीच का जो एरिया है ना, इस एरिया में एक लूप, रेक्टेंगुलर लूप, इसको मूव करवा के उसको कैलकुलेट कर रहे हैं बनना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उस लूप में जनरेटेड ईएमएफ के बेसिस पर कैलकुलेट की जा रही है।
हमें इस मैग्नेट की साइज दी गई है, कोयल की साइज दी गई है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइम के साथ करेक्ट रिलेशन मुझे कैलकुलेट करके बतलाना है। देखो यदि मैं बात करूं तो वो तो बीवीएल के बेसिस पर ईएमएफ तो आ जाएगा ना, लेकिन किस टाइम इंटरवल तक? क्योंकि जैसे अपन यदि मैग्नेट में बात करें, जैसे ये मैग्नेट है और ये लूप यहां से जब एंट्री स्टार्ट करता है, तो जब तक लूप यहां तक आ रहा होगा ना, जब तक लूप यहां तक आ रहा होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसके बाद जैसे ही लूप इस पोजीशन में पहुंच चुका है कि ये फाइनल पॉइंट है, अब इसके बाद जब लूप इससे एग्जिट कर रहा होगा तो वापस से ईएमएफ जनरेट होगा। और ईएमएफ दोनों केसेस में, मतलब फर्स्ट वाले केस में व्हाइल एंटरिंग एंड सेकंड वाले केसेस में व्हाइल लीविंग, ईएमएफ विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, आप जितने भी ऑप्शंस देख रहे हो ना, सारे ऑप्शंस में यही है, सेम इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन ईएमएफ जो है वो बीवीएल कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट ईएमएफ की मैग्नीट्यूड यदि मेरे को मिल गई तो क्वेश्चन सॉल्व है। अब मुझे बीवीएल की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले देखो, टाइम इंटरवल के बेसिस पे बात करो तो सब में टाइम इंटरवल सेम है। बाकी मैं टाइम इंटरवल के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ कि ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और इनिशियल 2 सेंटीमीटर चलने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी दी टाइम। बोलो ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इस लूप का केवल ये वाला जो लेंथ है, इधर वाला जो बीच वाला, ये जो 2 सेंटीमीटर का लेंथ है, इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट विल बी बी। नाउ ओके, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ओके, मैग्नेटिक फील्ड बी के बेसिस पर अपन ने बात की, मतलब ऑप्शंस में देखो वैल्यू साथ में बी के साथ में है ना, तो वैल्यू यदि साथ में बी के साथ में, तो बी वी एल, बी की वैल्यू है 2, मतलब वी की वैल्यू ये एल और वी की वैल्यू है 20 और साथ में बी, तो ये जो डाटा आया वो 0.4 बी के इक्विवेलेंट आ गया। इसका मतलब यदि मैं इसके आंसर्स के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करता हूँ ना बेटा जी, तो ये 0.4 बी वाला डाटा जो है दैट विल सेटिस्फाई द आंसर। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। बात ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को बोला गया है कि ए क्लोज्ड सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए रेजिस्टेंस कैपिटल आर, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कैपिटल एन, सोर्स ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज अब्रप्टली डिक्रीज टू एल बाई फोर। अब एल बाई फोर में डिक्रीमेंट कैसे हुआ है? कि हमने उसके बीच में जो मैग्नेटिक कोर लगा रखी थी, जो मैग्नेटिक मटेरियल था, उस मटेरियल को रिमूव कर दिया है, उस मैग्नेटिक कोर को रिमूव करके। तो हमें इमिडिएटली आफ्टर दिस मोमेंट वी हैव टू कैलकुलेट द करंट। देखो जैसे एल आर सर्किट में यदि मैं इसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ ना, तो सबसे पहली चीज इसमें यह है कि इसका फ्लक्स कॉन्स्टेंट रहता है, तो इसके फ्लक्स की वैल्यू जो होती है वो फाइ इज इक्वल टू एल आई होती है। तो जस्ट मतलब इंडक्टर जो है वो कोशिश करता है कि उस सर्किट में कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो करती रहे। यदि आप अब्रप्टली कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो करती रहे ताकि फ्लक्स कॉन्स्टेंट रहे, यदि आप अब्रप्टली उसके इंडक्टेंस में चेंज करेंगे तो इंडक्टेंस में चेंज होने से फ्लक्स में चेंज होने की टेंडेंसी आती है। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से इंडक्टर अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और कोशिश करेगा सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से कि वो एनी हाउस फ्लक्स को कांस्टेंट रख ले। तो जस्ट आफ्टर दैट इंस्टेंट इनिशियल फ्लक्स एल आई है और बाद में तो आई डैश की वैल्यू जो है बेटा जी दैट बिकम्स 4i। अब आई की वैल्यू यदि इंडक्टर और रेजिस्टेंस सर्किट की बात करते हैं तो आई की वैल्यू जो होती है दैट वैल्यू इज ई बाई आर। तो इस केस में जो न्यू करंट होगा सर्किट में दैट विल बी 4e डिवाइडेड बाई आर। बोलो ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5 कि हमें इस स्क्वायर लूप से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। एक्चुअली मैं इस अरेंजमेंट को समझना ना, ये साइड लेंथ अल्फा है, ये वाली डिस्टेंस बी है, ठीक है? तो ये वाली डिस्टेंस जो बची वो बी माइनस अल्फा बची। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये स्क्वायर लूप, इट्स नॉट द स्क्वायर लूप है ना, ओके स्क्वायर लूप बी और बी, ठीक है? तो इस वाले केस में वायर इसके नीचे से बिल्कुल टच से केस में मुझे इस केस में फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा देखो, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, मतलब ये यदि लेंथ में बी माइनस अल्फा लेता हूं तो इधर भी मैं बी माइनस अल्फा लूंगा, दोनों साइड में बी माइनस अल्फा लेंथ जो है वो तो कैंसिल आउट हो गई, जो इधर बच गई दैट लेंथ इज 2b माइनस अल्फा। मुझे केवल इतनी लेंथ के लिए
ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ठीक है साहब, ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं। हमने कहा सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपका वायर यहां है और स्क्वायर लूप जो लूप है अब जो बच गया आपने पास वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। लेंथ ऑफ दिस पार्ट इज बी, ओके, ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा जी, ये वाली डिस्टेंस है बी माइनस अल्फा, और ये वाली जो टोटल डिस्टेंस है, शायद पिछले डायग्राम में मैंने गलत लिख दी थी, ये डिस्टेंस अल्फा है, नहीं, दिस वन इज 2b माइनस अल्फा, क्योंकि ये यहां से यहां तक की जो टोटल थी ये डिस्टेंस अल्फा थी, ये डिस्टेंस अल्फा थी, तो ये बच गई b माइनस 2 अल्फा। ऐसा ही है, ठीक है सर। अब देखो, यदि हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो अपन कहेंगे यहां से x डिस्टेंस पर b लेंथ का एलिमेंट लिया, मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, साथ में dx b dx, तो फ्लक्स जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई b अपॉन 2 पाई log ऑफ, अब फाइनल बाय इनिशियल, ऐसा ही लिखना है, फाइनल डिस्टेंस जो है इसकी, फाइनल डिस्टेंस है अल्फा और इनिशियल डिस्टेंस जो है दैट डिस्टेंस इज बी माइनस टू अल्फा। अब देखो ये जो डाटा आता ना एक्चुअली में ये डाटा मोड के साथ आता है, अब मोड के साथ आता है तो मुझे बी माइनस टू अल्फा लिखूं चाहे अल्फा माइनस टू बी लिखूं, बात सेम टू सेम रहेगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो ठीक बात है क्या बेटा जी? तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि एन इंडक्शन कॉइल इज कनेक्टेड टू ए सोर्स दैट डिलीवर्स करंट वेरिंग विद टाइम, वेरिएशन ऑफ द करंट विद टाइम दैट पासस थ्रू द कॉइल इज शोन इन द ग्राफ, ग्राफ में डायग्राम शोन है। फोर मोमेंट्स आर मार्क्ड एट t1 t2 t3 एंड t4 इन द ग्राफ एंड द मोमेंट एट व्हिच सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम। देखो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है ना किसी भी कंडक्टर के इंडक्टर के अक्रॉस दैट इज गिवन एज ldi / dt मैग्नीट्यूड में, हमें ये बताना है कि कब ये मैक्सिमम होगा। तो l तो कांस्टेंट है, जब ये मैक्सिमम होगा तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में अपन बोलेंगे कि भाई साहब di / dt जो है वो भी मैक्सिमम होगा। अब di / dt कब मैक्सिमम होगा बेटा? स्लोप के बेसिस पे बात करेंगे तो यहां पर स्लोप कुछ इस टाइप से, यहां पर स्लोप कुछ इस टाइप से, t3 पर स्लोप कुछ इस टाइप से, t4 पर स्लोप कुछ इस टाइप से। तो स्लोप के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ग्राफ से इट इज वेरी क्लियर कि t2 वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट पर स्लोप जो है di / dt दैट इज मैक्सिमम। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7 कि एक प्लेन लूप है वायर का प्लेस्ड इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द एरिया ऑफ द लूप एट एनी टाइम, कि वैसा यूनिफॉर्म है बट टाइम वेरिंग है। ठीक है सर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी वेरीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बी इज इक्वल्स टू बी नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस एटी वेयर वी नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्मॉल ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट द टाइम एट व्हिच इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इज मैक्सिमम, कि किस टाइम पर इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम है। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है यदि मैं बात करूं तो एरिया इनटू में डीबी बाय डीटी लिख सकते हैं, इस केस में एरिया कांस्टेंट है एंड डीबी बाय डीटी इज बी नॉट इनटू में ए की पावर माइनस एटी, ये वाला माइनस मैंने एडजस्ट कर दिया माइनस माइनस प्लस, और वैसे भी मैं मैग्नीट्यूड को लेकर बात कर रहा हूं। तो हमें ये बताना है कि ईएमएफ कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम तब होगा जब ई रेज टू द पावर माइनस एटी मैक्सिमम होगा एंड दैट विल बी मैक्सिमम एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो। सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग द लाइन एबी व्हिच लाइज इन द सेम प्लेन एज अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर एज शोन इन द डायग्राम, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इफ एनी इन द लूप, कि लूप में यदि कोई करंट इंड्यूस होती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। पहले में तो बोला गया कि कोई करंट इंड्यूस नहीं होती है, नहीं, इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है फिर दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो करंट तो इंड्यूस होगा। अब इंड्यूस्ड करंट जो होगा ना इलेक्ट्रॉन के आने से पहले और इलेक्ट्रॉन के क्रॉस करने के बाद दोनों केसेस में डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी, तो ना तो अपन एग्जैक्टली क्लॉकवाइज बोल सकते हैं ना एग्जैक्टली एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, वी कैन से दैट द करंट विल चेंज डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन पास बाय द कॉइल। सो अकॉर्डिंग टू दिस फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 कि वुडन स्टिक ऑफ लेंथ 3L इज रोटेटेड अबाउट एन एंड with constant angular velocity omega in a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of the motion if the upper end upper one third of its length is coated with copper the potential difference across the whole length of the stick is, इसकी stick के पूरी length पर कितना होगा। हमने कहा देखो EMF जो होता है ना छोटे से element पे सोचें, यदि मैं यहां से
एक्स डिस्टेंस का एलिमेंट मान के उसकी लेंथ को dx कहूं, तो उसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा b v दैट इज ओमेगा x इनटू l दैट इज dx. सो द पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, वी हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 2l टू 3l, दैट वैल्यू कम्स एज b ओमेगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, दैट इज 3l का स्क्वायर माइनस में 2l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. So this value is 9 minus me 4, that is 5. So induced EMF will be 5B omega L square divided by 2. This will be the induced EMF. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 9 के बाद. The next one is question number 10. 10 में बोला गया कि given strength for current and self-induced EMF in the inductor are directed as shown in the figure. Induced EMF 17 volt है और rate of change of current जो है वो 25 है. देखो सबसे पहले मैं ये कहूँ कि induced EMF is L di by dt 25 into 10 की पावर 3. तो यहां से L की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज 17 by 25 और मैं ऊपर लिख देता हूं 10 की पावर माइनस 5. वैसे 10 की पावर माइनस 3 जाएगा, देखो इसको डाटा एडजस्ट करना सिखा रहा हूं बस, ताकि 100 लिख के 4 टाइम्स कैंसिल आउट करके सीधा सीधा 68 into 10 की पावर माइनस 5, तो 680 into 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो हेनरी अपने पास आ गया. एंड अकॉर्डिंग टू दिस केवल एक ऑप्शन में ऐसा मैच हो रहा है. अच्छा एक चीज और है, क्या कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यदि करंट डिक्रीज होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस करंट को सपोर्ट करता है, तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कुछ इस टाइप से होगा जो कि डायग्राम में शोन किया हुआ है अपने पास. बोलो ठीक. चलिए तो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ाते हैं 10 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11. 11 में बोला गया स्विच S is closed for a long time at t is equals to 0, it is opened. Then, यदि इसको ओपन किया जाता है तो ओपन करने के ठीक बाद देखो, यदि इस स्विच को मैं ओपन कर दूं तो इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें से करंट फ्लो करेगा और इसमें से करंट फ्लो करेगा. तो जो टोटल लॉस्ट एनर्जी होगी इन दोनों में से, वो टोटल लॉस्ट एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर दैट इज वी बाई आर का स्क्वायर यही होगी. अब इसमें से R1 वाले में से कितनी एनर्जी लॉस हो रही होगी और R2 वाले में से कितनी एनर्जी लॉस हो रही होगी ये बताना है. तो ऑब्वियसली देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है ना भाई, एनर्जी लॉस करंट के बेसिस पर होगा और करंट जो होगा वो बेटा जी रेजिस्टेंस के अपोजिट ऑर्डर में रहता है. मतलब R1 और R2 वाले में, R1 में करंट जो होता है वो टोटल करंट का R2 अपॉन R1 प्लस R2 और R2 वाले में R1 अपॉन R1 प्लस R2. हमें R1 वाले में देखना है तो R1 वाले में जो लॉस होगा दैट विल बी R2 अपॉन R1 plus R2. So according to that, third one is the correct answer. ठीक बात. चलिए आगे बढ़ाते हैं 11 के बाद next question की बात करें, question number 12. 12 में बोला गया figure shows three regions of magnetic field. Each of area capital A. And in each region, magnitude of magnetic field decreases at a constant rate alpha. If capital E vector is induced electric field, then the value of integral E dot dr along the given bigger loop is equal to. Bigger loop के according बताना है. मैंने कहा देखो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूंगा ना तो दिस फ्लक्स विल बी पॉजिटिव एंड दिस फ्लक्स विल बी नेगेटिव, बट इट इज डिक्रीजिंग, सो वी विल टेक इट विद माइनस साइन एंड वी विल टेक इट दिस प्लस साइन. वैसे तो ऐसे होता ना, देखो ई डॉट डी आर इंटीग्रल ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस का साइन, इसको प्लस में लेना है, एरिया इन टू में डी बी बाई डी टी दैट इज माइनस अल्फा. फिर इस वाले के लिए यदि मैं बात करूंगा, माइनस में लेंगे ए और डी बी बाई डी टी इज माइनस अल्फा, और उस वाले के लिए भी माइनस का ए और डी बी बाई डी टी इज माइनस अल्फा. देखो यहाँ से ये दोनों डाटा तो कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस बाहर है, तो माइनस ए अल्फा. सो अकॉर्डिंग टू दिस इंटीग्रल ई डॉट दिया दैट इज माइनस अल्फा इन टू ए, सो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को 12 के बाद. क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि कुछ करंट है, एक करंट दी गई है, उसकी इफेक्टिव वैल्यू बतलानी मेरे को. देखो एक तो है 2 साइन 100 पाई टी और एक है 2 कोस 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री. तो ये जो दूसरी करंट है ना 2 कोस 100 पाई टी प्लस 30, वी कैन राइट इट लाइक 2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री. मतलब ये वाला करंट इनिशियल करंट से 120 डिग्री लीडिंग पर है, ये 2 ये 2 angle 120, then the resultant will be also 2. From here, this angle is 60 degree and from here, this angle is 60 degree. तो magnitude तो आ गया 2, मतलब I note की value. हमसे effective value of current, that is mean, that means we have to calculate the RMS value and the RMS value is what? Root 2 ampere.
सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ाते हैं 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें. 14 में बोला गया है कि फिगर जो है ना उसमें एमीटर और आइडियल एमीटर्स हैं. एमीटर A1 और A2 की वैल्यू I1 और I2 है, तो एमीटर A3 की वैल्यू बतलानी है. देखो बहुत सीधी सी बात है कि दोनों सेम पोटेंशियल में कनेक्टेड है, सेम पोटेंशियल में कनेक्टेड है V, तो IR जो होगा दैट इज व्हाट I1, वो ऐसा ही होगा. लेकिन IL जो होगा दैट इज I2, वो इससे पीछे कुछ इस टाइप से होगा 90 डिग्री की फेज डायग्राम. तो रिजल्टेंट करंट इधर से जाएगा यदि इसको आइडियल मानते हैं, तो दैट करंट इज अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर. ठीक है, सो इट्स नॉट इक्वल टू I1 प्लस I2, इट्स नॉट ग्रेटर देन I1 प्लस I2, इट इज ऑब्वियसली लेस देन I1 प्लस I2. मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इनके बेसिस पर 2I1 I2 cos थीटा वाले से बात करें तो दिस वैल्यू विल बी लेस देन I1 प्लस I2. सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को एक LC सर्किट है, उसमें x के साथ वेरिएशन, x का फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन बताना है. तो x की वैल्यू जो होगी दैट वैल्यू विल बी व्हाट, 2πfL माइनस 1 अपॉन 2πfc. दिस वन इज ओमेगा एल एंड दिस वन इज 1/ωc xl माइनस xc. तो उसके अकॉर्डिंग यदि अपन इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. इसको फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव के बेसिस पर अपन चेक कर सकते हैं. क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट इज अप्रोक्सीमेटली, सर्किट का क्वालिटी फैक्टर बतलाना है. देखो क्वालिटी फैक्टर जो होता है ना, व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर इज एफ मैक्स अपॉन डेल्टा एफ. अब एफ मैक्स की यदि आप बात करोगे तो एफ मैक्स आपका 7 के अकॉर्डिंग आ रहा है, 7 kHz. और डेल्टा एफ की बात करते हो तो डेल्टा एफ 10 और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ना, दैट इज 10 माइनस 4, दैट वैल्यू इज व्हाट, 6. सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, तो अप्रोक्सीमेटली अपने से बात की गई है. एक चीज ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में बोला हुआ है अप्रोक्सीमेटली, लमसम में बात करनी है तो लमसम में वी कैन मैच द आंसर 1.4. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17. देखो 17 में क्या बोला गया कि एक ऐसी सर्किट है उसमें एक इंडक्टर और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फेज डायग्राम बतलाना है, फेजर डायग्राम वोल्टेज और करंट के बीच में. देखो बेटा जी, वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इनके बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, एंड दैट इज एक्सएल बाई आर, 10 φ की वैल्यू. और एक्सएल जो होता है वो 2πf होता है, तो 10 φ दैट इज एक्सएल 2π. नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज 50 एंड दिस वन इज 2/π into 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज 0.15. अब देखो पाई से पाई गया, ये वाला डाटा 100 है और ये वाला डाटा 10 की पावर माइनस 3 है, तो 2 तो कैंसिल आउट, 0.2 0.2 0.15, तो दिस डाटा विल बी 4/3. अच्छा, और 4/3 के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 4/3 इट इज 53 डिग्री, करस्पॉन्डिंग टू 53 डिग्री. बाकी अपने डायग्राम में क्लियर है कि इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, दैट डिफरेंस, फेज डिफरेंस देखो, इसमें 10 inverse 4/3 है, इसमें 10 inverse 1/2 है, तो 10 inverse 4/3 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा. अच्छा, इंडक्टर यदि कनेक्टेड होता ना तो करंट लैगिंग फेज में होता है, और यदि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है ना तो करंट जो होता है वो लीडिंग फेज में होता है. दैट्स व्हाई द वोल्टेज इज लीडिंग, वोल्टेज इज इन लीडिंग फेज. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 के बाद 18 में. देखो 18 में कहा जा रहा है that a power transfer is used to step up alternating EMF of 220 volt to 11 kilovolt to transmit 4.4 kilovolt of power. Okay, primary coil में 1000 turns है, secondary में current पूछा गया, बहुत simple सा question है बेटा जी. Power कितना transfer करना है, 4.4, कितने volt पर करना है, 11 kilovolt पर. Current की value पूछी गई है, P is equals to VI ना, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 गया, दिस डाटा इज 4.4 डिवाइडेड बाय 11, तो कैंसिल आउट हुआ कितने टाइम्स, 0.4 टाइम्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर अब अगले सेक्शन की बात करते हैं. पहले सेक्शन में 18 क्वेश्चंस थे सिंगल चॉइस के जो कंप्लीट है, सेकंड सेक्शन में मेंस के पेपर में 7 न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वेश्चंस हैं. चलिए सर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज चेंज्ड, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल टाइम दिखाया गया. कोयल का रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल चेंज इन फ्लक्स. मैंने कहा देखो ऐसा है,
यदि मैं चार्ज की बात करता हूं ना, चार्ज फ्लो दैट इज एरिया अंडर करंट टाइम कर्व, दैट इज 0.2 कूलम, और इसकी वैल्यू जो होती है वो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय आर होती है। तो यहां से जो डेल्टा फाई की वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट इज 0.2 इनटू माय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 210, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द चार्ज फ्रॉम दिस केस, फ्लक्स फ्रॉम दिस केस इज 2 वेबर। बोलो ठीक बात है क्या सर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है कि दैट अ लूप हैविंग नेग्लिजिबल सेल्फ इंडक्टेंस बट अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड but varying with time at a rate of 1 tesla per second, the area of the loop is 1 meter square and it is single turn, at some time the current in the loop is 1 ampere, the rate of change of current पूछा गया। ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात सुनना। इन्होंने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो emf जो मेरे पास आएगा दैट विल बी एरिया इनटू db / dt एंड db / dt इज अ कांस्टेंट, सो emf बिकम्स कांस्टेंट। If EMF becomes constant, then the current is defined as E by R. Current becomes constant. And if the current is constant, then the changing rate of current, that will be what? Zero. So according to this, zero is the correct answer. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है कि the number of turns, cross sectional area and length of 4 solenoids are given the figure. The solenoid number with maximum सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब कौन से नंबर की सोलेनोइड है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस मैक्सिमम होगा। देखो नंबर ऑफ टर्न्स सब में सेम, नंबर ऑफ टर्न्स यदि सब में सेम है तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है ना उसका फॉर्मूला जो होता है वो म्यू नोट नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू में एरिया। अब यहां से यदि मैं बात करूं जिसके लिए ये मैक्सिमम है, जिसके लिए ए बाई एल का रेशियो मैक्सिमम है, यहां से ए बाई एल का रेशियो 2a/l, this is a by l, this is 3a/12 and this value is 4a/l. So 4a/l ke according baat kare to this is the maximum ratio. So for solenoid number 4 self inductance is maximum. Bolo clear hai kya? Chaliye sir aage badhate hain baat ko, question number 3 ke baad question number 4 ki baat kare. 4 mein bola gaya hai ki the plane of a square loop of wire with edge length area side length 0.2 meter is perpendicular to the earth's magnetic field BE at a point where BE is 15 micro tesla. The total resistance of the loop and the wire connecting the galvanometer is 0.5 ohm. If the loop is suddenly collapsed by horizontal forces as shown, the total charge passing through the galvanometer, इससे total charge कितना flow करके गया? मैंने कहा देखो, यदि ये collapse हो गया, तो final flux zero है, और initial flux कितना है? बोले जी, initial flux है 0.04 into में 15 into 10 की power minus 6. Resistance total कितना हुआ? बोले जी साहब, resistance जो है टोटल रेजिस्टेंस 0.5 दिया गया है, दैट इज 1/2। यहां से बात करें, ये डाटा ऊपर गया 0.08 इंटू 15 माइक्रो कूलम, इतना चार्ज फ्लो कर गया। मैंने सीधा सा बोला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर, तो ये डाटा जो आ रहा है 15/8 120 होता है ना, दिस वैल्यू इज 120। तो इसके बेसिस पर यदि मैं बात करूं तो इससे जो चार्ज फ्लो करके गया है दैट चार्ज इज 1.2 माइक्रो कूलम, सो करेक्ट आंसर इज 0.1.20। पैटर्न आप लोगों को पता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5 कि एक एलआर सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज 6 एंड अक्रॉस द रेजिस्टर इज 6 वोल्ट, पावर फैक्टर पूछा गया। मैंने कहा पावर फैक्टर तो आर बाई जेड होता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं वी आर divided by V source, सीधा सीधा VR की value है 6 और V source की value, this one is 8, this one is 6, तो VR तो इधर होता है, VL इधर होता है, तो आपका V इधर होगा and that V is 10, तो divided by 10, so power factor for this circuit is what? 0.6, बोलो ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, 5 के बाद the next one is question number 6, 6 में बोला गया कि alternating voltage 260 volt apply किया गया है, omega 100 radian per second है, सर्किट के लिए L गिवन है, C गिवन है, R गिवन है, पावर सप्लाइड यदि सोर्स की N वोट है तो हमें N by 32 की वैल्यू बतलानी। अब पावर सप्लाइड जो होती है वो तो कितनी होती है? VI cos phi, ठीक है, VI cos phi के बेसिस पर बात करें V, I को लिख सकते हैं V by Z और इसको लिख सकते हैं R by Z, बोलो ठीक है क्या? अच्छा, V की वैल्यू जो है दैट इज 260 into 260, यदि मैं जेड की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं ना तो इस केस में जेड मेरे पास कैलकुलेट होकर आता है जेड स्क्वायर। देखो जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्सएल और एक्ससी कैलकुलेट करना पड़ेगा और जेड की वैल्यू अपने पास निकल के आती है एक्सएल, दैट वैल्यू इज
ओमेगा दे रखा है 100, दिस वन इज 1, एक्स सी 1 बाई ओमेगा सी, 100 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 माइनस 4, दिस वन इज 25, तो 24 10, तो एक्स जेड आ गया 26, सो जेड स्क्वायर इज 26 इंटू 26 एंड द रेजिस्टेंस इज व्हाट 10, 26 26 26 26 दिस वन इज 1000, तो सोर्स गिवन बाय द पावर गिवन बाय द सोर्स इज 1000 वोल्ट, यदि पावर 1000 वोल्ट आ रही है वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n by 32 इज 31.25, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 31.25। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 7 में बोला गया है कि एक आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, अपचाई ट्रांसफॉर्मर है, 500 वोल्ट की पावर ट्रांसमिट कर रहा है और जो किस करंट पर कर रहा है 12.5 एम्पियर पर कर रहा है, तो ये आउटपुट करंट होती है। वैसे भी क्लियर है क्वेश्चन में कि इनपुट करंट पूछी गई है प्राइमरी कोयल में, तो इनका जो रेशियो होता है वो इनवर्स रेशियो में चलता है, मतलब 1/5 इज इक्वल टू दिस करंट इज 12.5 एंड दिस इज द आई प्राइमरी, N2 by N1 is equal to I primary by I secondary. तो I primary की value जो मेरे पास आती है, that is 12.5 divided by 5. So that value comes as 2.5 ampere. ठीक बात है क्या? So that's all in the mains section. चलिए आगे बात करते हैं, advance वाले part की बात करते हैं. बढ़ाएं आगे. तो चलिए सर, advance के paper में सबसे पहले अपने पास section A में 2 paragraph है, फिर section B में 10 multiple choice questions है, और section D में फिर अपने पास 6 questions, integer वाले numerical value वाले questions है. तो सबसे पहले अपन जो अपने पैराग्राफ वाले पोर्शन है उसमें पैराग्राफ नंबर 1 से बात करते हैं. देखिए पैराग्राफ नंबर 1 कुछ ऐसा है कि एक मेटलिक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस r है, ये xy प्लेन में है और इसका सेंटर ओरिजिन पर है. टेक द पॉजिटिव z डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव नॉर्मल टू द लूप, ए कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड रेडियस कैपिटल r कैरिंग ए करंट i लाइज इन द प्लेन z इज इक्वल्स टू z नॉट विद इट्स सेंटर एट 0 0 z नॉट. An observer stationed at a 0,0,2 z node finds the current in the coil to be anti-clockwise. Coil को origin की तरफ अपन constant velocity से move करवा रही हैं और loop की जो radius है वो coil की radius के comparison में negligible है. Okay? Loop में मेरे को loop में current की value calculate करके बतलानी है. देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि situation actually में कैसी है. Situation कुछ इस type से है कि यहाँ पर मेरे पास लूप है और इस वाले प्लेस पे मेरे पास कोइल है और इसे मैं इधर वी नोट वेलोसिटी से मूव करवा रहा हूं, तो टी टाइम के बाद ये जो डिस्टेंस है बेटा जी, दिस डिस्टेंस विल बी जेड नॉट माइनस वी नोट इनटू टी. तो ये अपने प्लेस पर स्टेशनरी है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट जो जनरेट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? मोशनल ईएमएफ इसका तो हो ही नहीं रहा ना, तो केवल और केवल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 में अपने से करंट की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछी गई है, तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो म्यू नोट आई दैट इज बी रूट टी इनटू इसकी रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बोले तो आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट माइनस वी नॉट टी का होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 और इसको अपन डिफरेंशिएट कर देंगे. ईएमएफ पूछा गया शायद है ना सेकंड वाले क्वेश्चन में, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा गया, तो d5/dt केवल इतना ही करना है. दिस विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ. यदि अपन इसे सोल्व करके इस डाटा को आगे सोल्व करेंगे ना, तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है दैट विल मैच विद द आंसर. पूरा कैलकुलेट किया हुआ है, फोर्थ वन मैच कर जाएगा. बोलो ठीक बात. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ नंबर 2 से बात करें. पैराग्राफ नंबर 2 में बोला गया कि एक सेमी सर्कुलर वायर है पी क्यू आर ओ पी, उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर और इसकी रेडियस है स्मॉल आर विथ पी ओ आर इज अ डायमीटर एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम अ लॉन्ग पैरेलल वायर ए बी कैरिंग ए करंट कैपिटल आई. ओके एज शोन इन द फिगर द करंट इन द वायर ए बी डिक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम इनिशियल वैल्यू आई नॉट टू जीरो इन टाइम कैपिटल टी. ये डाटा थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया पर क्वेश्चन से ये चीज क्लियर है कि ये आई नॉट है, ये कैपिटल टी है और Q की वैल्यू इन्फॉर्मेशन के लिए I नॉट इनटू कैपिटल T बाय 2 यूज की गई है. तो सबसे पहले तो एक तो मेरे को करंट कैलकुलेट करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन आई हैव टू कैलकुलेट द इन द नेक्स्ट पार्ट आई हैव टू कैलकुलेट द जनरेटेड हीट. चलिए सबसे पहले अपन बात करें कि देखो हो क्या रहा है कि ये वायर है, इसमें से करंट वेरिएबल करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट का इक्वेशन जो है दैट इज आई नॉट
वन माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी है। यहां पर एक लूप है, इसकी रेडियस आर है, ये डिस्टेंस भी आर है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर लूं। फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो अपन ने कहा देखो जी यहां से एक्स डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट लिया, तो इस एलिमेंट की ये जो रेडियस मेरे पास कैलकुलेट होकर आती है ना बेटा, ये रेडियस कैलकुलेट होकर आ रही है अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे क्रॉसिंग फ्लक्स जो होगा, देखो ये डिस्टेंस आर है, ये एक्स है, तो वायर से डिस्टेंस के बेसिस पर म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर प्लस एक्स, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, इंटू में एरिया अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ईएमएफ आएगा, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, वी विल कैलकुलेट द करंट। ओके, तो जी इसमें सबसे पहले म्यू नॉट आई इसको इंटीग्रेट करना जीरो से लेकर आर तक एक्स की वैल्यू के बेसिस पर टू पाई, दिस डाटा विल बी अंडर रूट में आर माइनस एक्स अपॉन आर प्लस एक्स इन टू में डी एक्स। ठीक बात। चलिए अब ये जो एक्स है ना बेटा जी, मैंने ये अज्यूम किया कि एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा के इक्वल हो यदि इस वाले एंगल को थीटा कहते थे, तो ये डिस्टेंस आर कोस थीटा, ये डिस्टेंस वैसे आर साइन थीटा, एक्स की वैल्यू आर दी आर कोस थीटा के इक्वल माने तो डी एक्स जो होगा वो माइनस आर साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है जी साहब, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे ना तो अंडर रूट में आर माइनस आर कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर प्लस आर कोस थीटा इंटू डी एक्स इज माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा, वन माइनस कोस थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू कोस स्क्वायर टेन थीटा बाई टू बाहर निकलेगा। तो इंटीग्रेशन में माइनस में म्यू नॉट आई अपॉन आई आर अपॉन टू पाई, साथ में दिस वन इज वन माइनस टू साइन थीटा बाई, सॉरी टू तो नहीं आएगा, सीधा सीधा साइन थीटा बाई टू बाई कोस थीटा बाई टू, दैट इज टेन थीटा बाई टू, साथ में आ गया साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा बाई टू को मैं लिख दू साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कोस थीटा बाई टू, और साइन थीटा को टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, तो कोस थीटा बाई टू कैंसिल आउट हो गया, टू साइन थीटा बाई टू बच गया। दिस वैल्यू कम्स एज माइनस म्यू नॉट आई आर अपॉन टू पाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कैन बी रिटन एज वन माइनस कॉस थीटा डी थीटा। लेट्स इंटीग्रेट इट, माइनस म्यू नॉट आई आर अपॉन टू पाई, इंटीग्रेट करेंगे थीटा माइनस साइन थीटा, वैल्यू पुट करेंगे जीरो से पाई बाई टू वाली, दैट वैल्यू इज पाई बाई टू माइनस में ये वाला डाटा जो मेरे पास आएगा दैट वैल्यू इज पाई बाई टू माइनस में साइन, अच्छा टू और आ रहा है ना, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो वन माइनस कोस थीटा लिखा, कोस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा साइन पाई बाई टू, दैट वैल्यू इज दिस इज व्हाट, दिस इज द इंड्यूस्ड सॉरी आई कैन से दिस इज द फ्लक्स जनरेटेड इन दिस केस। तो भाई अपने पास फ्लक्स की वैल्यू आ चुकी है, फ्लक्स की वैल्यू आई जो है मेरे आंसर के साथ मैच नहीं कर रही, तो एक्चुअली मैं अपन ने ना इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम की है कैलकुलेशन में। एक्चुअली मैं जब मैं इस पार्ट का जब एरिया ले रहा हूँ ना बेटा, तो देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला ये वाला जो एरिया है, ये वाला तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला है, सिमिलरली ये भी तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, मतलब यहां पर मैं एक टर्म मिस करता जा रहा हूं, दैट मीन्स टू मल्टीप्लाइड विथ टू मल्टीप्लाइड विथ टू मल्टीप्लाइड विथ टू मल्टीप्लाइड विथ टू, तो ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधी सीधी बात इतनी सी है। तो अपने पास जो फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है, दैट वैल्यू इज कमिंग एज म्यू नॉट आई आर अपॉन टू पाई, साथ में टू माइनस पाई, ये अपने पास फ्लक्स कैलकुलेट होकर आ गया। तो ईएमएफ जो होगा वो डी फाई बाई डी टी, अब ईएमएफ किस वजह से आएगा, क्योंकि इस वायर में से जो करंट जा रहा है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। चलिए अपन ये डाटा रख लेते हैं, इसके अलावा सारा डाटा जो है वो कैंसिल आउट कर देते हैं,
देखो जी, फ्लक्स की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है, दैट वैल्यू इज कमिंग एज म्यू नोट आई आर, आई के प्लेस पे आई नोट वन माइनस स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी पुट कर दिया मैंने ग्राफ के अकॉर्डिंग, इन टू में स्मॉल आर डिवाइडेड बाई टू, टू नहीं आएगा ना यार, कैंसिल आउट हो गया, अच्छा टू एक पड़ा हुआ उधर, ये वाला टू पाई, साथ में पाई माइनस टू या टू माइनस पाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ई एम एफ जो आएगा वो डी फाइव बाई डी टी अपन मैग्नीट्यूड में लिखेंगे वैसे भी, तो म्यू नोट इन टू में आई नोट डिवाइडेड बाई कैपिटल टू पाई इन टू में कैपिटल टी इन टू में स्मॉल आर साथ में पाई माइनस टू, दिस विल बी द इंड्यूस्ड ई एम एफ। तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, यदि अपने से करंट पूछा गया तो जैसे ही रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे वी विल गॉट द करंट। अच्छा जी, अब देखो ये जो आई नोट है एक्चुअली में इसको रिप्लेस करना है, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन डायग्राम में दी गई है आई नोट टी बाई टू है, तो मैं आई नोट के प्लेस पर टू क्यू बाई टी पुट कर सकता हूँ। जैसे ही आप डाटा इसमें पुट करेंगे म्यू नोट आर अपॉन टू पाई कैपिटल टी इन टू में आर साथ में पाई माइनस टू, और आई नोट के प्लेस पर मैंने पुट किया है टू क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, टू से टू सही हो गया, म्यू नोट आर इंटू में पाई माइनस टू इंटू में क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर टी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट जो है वो फ्लो करेगा इसके अंदर से। यदि करंट फ्लो करेगा तो अगले वाले पार्ट में हमसे जनरेटेड हीट पूछी गई है, जनरेटेड हीट तो सीधी सीधी आई स्क्वायर आर इंटू में द टाइम दैट कैपिटल टी, तो आई स्क्वायर की वैल्यू म्यू नोट आर स्क्वायर पाई माइनस टू का स्क्वायर साथ में क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर टी की पावर फोर इंटू में टोटल टाइम कैपिटल टी, तो नीचे वाला डाटा जो बचेगा दैट विल बी टी क्यूब, दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो ठीक है। चलिए सर, तो ये अपने पैराग्राफ वाले पार्ट की बात हो गई, इससे अगले पार्ट की तरफ मूव करें तो अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं 10, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करें कि दो डिफरेंट कॉइल्स हैं जिनके सेल्फ इंडक्टेंस 8 मिली हेनरी और 2 मिली हेनरी है, द करंट इन वन कॉइल इज इंक्रीज्ड एट अ कांस्टेंट रेट, द करंट इन सेकंड कॉइल इज ऑल्सो इंक्रीज्ड एट अ सेम रेट, मतलब डीआई बाई डीटी दोनों का सेम है, किसी सर्टेन इंस्टेंट पर पावर भी दोनों की सेम है, यदि दोनों की पावर सेम है ना बेटा, मतलब एल डी आई वन बाई डी टी इंटू में आई वन इज इक्वल टू एल टू डी आई टू बाई डी टी इंटू में आई टू। अब देखो डी आई वन बाई डी टी से डी आई टू बाई डी टी ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सेम बोला गया है, तो अपने से यदि आई वन बाई आई टू का रेशियो पूछा जाए तो आई वन बाई आई टू दैट इज एल टू बाई एल वन, दिस वन इज 2 मिली हेनरी, दिस वन इज 8 मिली हेनरी, सो दिस रेशियो कम्स एज 1:4, सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद वी जो है वो वोल्टेज है उसके अक्रॉस, तो वोल्टेज जो होता है वो एल डी आई बाई डी टी होता है, तो वी वन अपॉन वी टू की वैल्यू एल वन अपॉन एल टू के इक्वल आएगी, एल वन अपॉन एल टू की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 4 के, और अपने से वी टू अपॉन वी वन 1:4 बोला गया है, सो फोर्थ वन इज ऑल्सो करेक्ट। इसके अलावा डब्ल्यू मतलब उसके अक्रॉस एनर्जी स्टोर्ड को W बोला गया है, एनर्जी स्टोर्ड की बात करें तो हाफ एल आई स्क्वायर होती है, तो यदि मैं W1 अपॉन W2 की बात करूंगा देन इट विल बी L1 बाई L2 इनटू में I1 बाई I2 का होल स्क्वायर, अब L1 बाई L2 दिस डाटा इज 4 I1 बाई I2 का स्क्वायर दैट इज 1:16, सो दिस रेशियो इज 1:4, तो W2 बाई W1 की बात करेंगे दैट रेशियो विल बी 4:1, सो अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। चलिए आपको आगे बढ़ाए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है कि एक कंडक्टिंग रोड PQ है जिसकी लेंथ L है, इज ड्रैग्ड विद अ कांस्टेंट फोर्स F अलोंग टू स्मूथ पैरेलल रेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस L एज़ शोन इन द एडजेसेंट फिगर, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट्स बतलाने हैं। मैंने कहा देखो ऐसा है, सबसे पहले इस रोड को यदि अपन इधर लेके जा रहे हैं, मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी v है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका नीचे वाला जो टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल पर और ऊपर वाला टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल पर होगा, इसकी वजह से इसमें से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, लेंथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। आप मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मानोगे ना तो तब भी फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में ही निकल कर आएगा, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट आएगा। तो यदि यह किसी टाइम पर टर्मिनल वेलोसिटी से मूविंग है तो उस पर्टिकुलर करंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बीवीएल अपॉन आर के इक्वल, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर F की वैल्यू जो है वो B V टर्मिनल इनटू में L डिवाइडेड बाय R इनटू में LB के इक्वल आएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी कम्स एज FR अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर, दिस विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी।
सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर. अब कैपेसिटर पे चार्ज पूछा गया है, कैपेसिटर पे चार्ज की बात करें तो कैपेसिटर पे तो इसके पैरेलली लगा हुआ है, तो कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा दैट इज क्यू बाई सी, उसके बेसिस पर अपन ये कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू बी वी एल की इक्वल होगी. वी के प्लेस पर क्या पुट करना है बेटा, एफ एल बाई बी एफ आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो बी एल से बी एल सही हो गया. तो मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर पे आ रहा है दैट इज एफ आर सी डिवाइडेड बाई बी एल. सो अकॉर्डिंग टू दैट थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड आर दी करेक्ट ऑप्शन. चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को. क्वेश्चन नंबर टू के बाद क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें कि एक रिंग है जिसका मास स्मॉल m है, रेडियस कैपिटल R है, इसको अपन ने प्योर रोलिंग में शट किया है, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है. किसी पॉइंट चार्ज Q को नेग्लिजिबल मास का रोलिंग रिंग के साथ अटैच किया गया, फ्रिक्शन इतना है कि किसी भी पॉइंट पर स्लिपिंग नहीं होती है. हमने कहा देखिए ऐसा है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर प्योर रोलिंग का मतलब V इज इक्वल टू ओमेगा आर है, इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो इधर केवल रोलिंग मान रोटेशन माने, तो ये एंगल थीटा दिया गया, तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा इधर वाला थीटा, तो इधर एक वेलोसिटी तो वी कोस थीटा है और इधर एक वेलोसिटी वी साइन थीटा है, और इसके पास इधर ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से भी वेलोसिटी वी होगी. तो इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स के कारण, फील्ड के कारण जो फोर्स है क्यू, वेलोसिटी वी कॉमन डाल दिया मैंने, वन प्लस कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड माइनस बी के कैप. तो वैल्यू जो मेरे पास आई क्यू वी बी आई क्रॉस के दैट वैल्यू इज माइनस जे, माइनस एक पहले से प्रेजेंट है तो प्लस जे, तो वन प्लस कोस थीटा साथ में प्लस जे कैप, और ये वाला डाटा जे क्रॉस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे क्रॉस के इज आई, सो साइन थीटा आई कैप. यदि मैं कंपोनेंट तोड़ता हूं फोर्स के तो एक आ गया क्यू वी बी साइन थीटा आई कैप प्लस में एक आ गया क्यू वी बी वन प्लस कोस थीटा जी कैप. बोलो ठीक बात. अब इसके बेसिस पर इस बॉडी पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, देखो इस बॉडी पर इधर क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा, तभी ये प्योर रोलिंग में रह पाएगी. दूसरा क्यू वी बी वन प्लस कोस थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ एक एम जी लग रहा है और एक नॉर्मल लग रहा होगा. हमसे ये कहा गया है कि जब ग्राउंड से रिंग जो है वो ग्राउंड से कॉन्टेक्ट छोड़ देगी यदि वेलोसिटी इससे ज्यादा है. देखो मैंने कहा कि यदि, सुनना बात को, ये डाटा क्यू वी बी और वन प्लस कोस थीटा को मैं मैक्सिमम वैल्यू के बेसिस पर यदि टू ले लेता हूँ, और ये वाला डाटा यदि एम जी से ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है किससे, एम जी अपॉन टू क्यू वी बी से, तो ऑब्वियसली ये वाला डाटा एम जी से ज्यादा हो गया, तो नॉर्मल जो है वो जीरो हो जाएगा और बॉडी जो है वो रिंग जो है दैट विल जंप फ्रॉम द ग्राउंड. सो अकॉर्डिंग टू दिस एक आंसर तो अपने पास फ्रिक्शन फोर्स का आ रहा है, दैट द फ्रिक्शनल फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा, एक ऑप्शन फोर्थ वाला करेक्ट आ रहा है, और फर्स्ट वाला आंसर भी करेक्ट हो जाएगा कि जब तक रिंग ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में है तब तक उसकी वेलोसिटी में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं होगा. सो वन थ्री एंड फोर आर द करेक्ट आंसर्स. चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को. क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, देखिए फोर में क्या कहा गया है कि चार आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं, हर एक का मास 0.1 केजी, चार्ज 2 किलोग्राम, कनेक्टेड टू ईच अदर वाया मासलेस नॉन कंडक्टिंग रोड्स ऑफ इक्वल लेंथ, द होल अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन अ सिलिंड्रिकल रीजन कैरिंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज शोन इन द फिगर, सडनली द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन ऑफ, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया ना डायग्राम में ये बंद हो जाता है, तो हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. देखो यदि मैग्नेटिक फील्ड सडनली बंद हुआ ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के बंद होते ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल रोटेट भी कर सकते हैं. मैंने कहा ऑब्वियसली रेडियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है ना, तो उस केस के लिए मैंने कहा सुनो हम उस रीजन की बात करते हैं जिस रीजन, मतलब जिस रेडियस पर ये चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, रेडियस की वैल्यू a बाई रूट टू है मेरे को पता है. मैंने कहा जी इंटीग्रल E डॉट dl, ठीक बात, इंटीग्रल E डॉट dl की वैल्यू d phi by dt के इक्वल होती है. बोले जी ठीक है, तो इंटीग्रल E डॉट dl जो है वो d phi by dt के इक्वल जाना है. इसके अलावा सुनो,
यहां पर ये जो चार चार्ज पार्टिकल्स हैं इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उतने टाइम के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो दे विल रोटेट, रोटेट करेंगे। तो यदि मान लो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वेरिएबल, तो फोर्स लगा क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई ए बाई रूट टू, ठीक बात है। तो ये हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज द टॉर्क, वो डीटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यदि इस डाटा को अपन डीटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डाटा अपने को किसकी वैल्यू दे देगा, ये डाटा अपने को चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दैट इज ट्वाइस एम ए स्क्वायर इनटू ओमेगा हो जाएगा। कैसे? चार चार्ज पार्टिकल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बाई रूट टू का स्क्वायर इनटू में ओमेगा अपने पास आ गया। अब इधर भी चार्ज पार्टिकल्स कितने थे, बोले जी चार चार्ज पार्टिकल थे। तो अपने को जो डाटा लेके चलना है वो फोर क्यू ई इंटू में ए बाई रूट टू इंटू में टाइम इंटरवल दैट इज डी टी, दिस वैल्यू विल बी दिस। बोलो सही है। अब इधर मैं सोचू तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है वो फ्लक्स चेंज की वजह से जनरेट हुआ है, उसको अपन इंटीग्रल ई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू माइनस डी बी डी फाई बाई डी टी लिखते हैं। बोलो ठीक बात है। तो यदि मैं उस डाटा के अकॉर्डिंग चलूं, देखो अपन ई डॉट डी एल करते हैं तो दैट विल बी ई इंटू में टू पाई इंटू में रेडियस आर। यदि मैं इस डी टी को इधर वाले टर्म में भेजकर इंटीग्रेट कर दूं then that will be the change in flux that is b naught into में pi r square। बोलो ठीक बात है क्या? बोले जी ठीक है, क्योंकि initially magnetic field b naught था, बाद में magnetic field है ही नहीं, तो flux में change कितने का हुआ, b naught into pi r square का। अब देखो इस वाले केस में this data pi से pi सही हो गया, r को cancel out नहीं करते अपन, है ना। इसको लिखते हैं e 2e into में r के place पर a by root 2 into में dt, ठीक है। और इधर वाले डाटा का बी नोट इनटू में ए के प्लेस आर के प्लेस पर ए बाई रूट टू, तो ये टू, ये टू इधर गया तो फोर हो गया, तो ये फोर ई साथ में ए बाई रूट टू डी टी, ये जो इंटीग्रल आ रहा ना मेरे पास, ये वाला डाटा एक्चुअली में बी नोट इनटू ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। मतलब इसके प्लेस पर चार्ज क्यू अलग से पड़ा रहेगा और बी नोट इनटू ए स्क्वायर का डाटा आ जाएगा, एंड दैट वैल्यू इज टू एम ए स्क्वायर इनटू में ओमेगा। फ्रॉम हियर आई कैन कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, सारे डाटा गिवन है, अपने से एंगुलर मोमेंटम पूछा गया, एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है, डाटा पुट करके सोल्व करेंगे तो 1 2 आ जाएगा। इसके अलावा चार्ज पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेट कर रही है। यदि चार्ज पार्टिकल्स रोटेट करेंगे तो भाई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल दो और इसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तभी तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। तो चार्ज पार्टिकल्स रोटेट करेंगे तो रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल्स जो है वो सेंटर पर, रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल्स सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, तो सेंटर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट फोर्थ वन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। 5 में बोला गया कि एक इन्फानाइट सोलेनोइड है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और उसमें एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। करंट ग्रोज लीनियरली विद टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस इन द सोलेनोइड। तब देखो वेरिएबल करंट है, वेरिएबल करंट है तो वेरिएबल फ्लक्स है, वेरिएबल फ्लक्स है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिस्टेंस के साथ अपन कैसे बतलाते हैं। सोलेनोइड को यदि मैं इधर से देखूं तो उसके इन साइड में यही लिखूंगा ई इंटू में टू पाई आर इज इक्वल्स टू एरिया पाई आर स्क्वायर साथ में डी बी बाई डी टी, बी इज म्यू नोट एन आई, तो डी बी बाई डी टी करेंगे तो म्यू नोट एन इंटू में आई की वैल्यू सी टी है तो दिस वैल्यू विल बी सी। मतलब इन साइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रपोर्शनल है आर के, और आउटसाइड की जब बात करेंगे तो ई इंटू में टू पाई आर, फ्लक्स केवल कैपिटल आर रेडियस तक ही है तो म्यू नोट एन इंटू सी, तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल बी 1/r, और ये टेंजेंशियल और होता है इस लूप के, मतलब किसी भी पॉइंट पर कुछ इस टाइप से। अगले दो ऑप्शंस में ये बोला गया है कि यदि मैं इसके लीनियरली यहाँ पर एक्सिस के लोंगे एक लाइन चार्ज पुट कर देता हूँ तो उसकी वजह से ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर होगा e lambda एंड दिस विल बी e induced। ये दोनों फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक तो थर्ड ऑप्शन में ये प्रूफ ये पूछा गया कि आई परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर है। फोर्थ में ये बोला गया है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे। बिल्कुल सर, कैलकुलेट करेंगे उसी फॉर्म से। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर दिस क्वेश्चन
1, 2, 3 and 4 all are the correct answers. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि इन द सर्किट शोन स्विच S1 इज इनिशियली ओपन एंड स्विच S2 इज इनिशियली क्लोज्ड. ये क्लोज है, ये ओपन है. टाइम t = 0 पर S1 को क्लोज कर दिया, S2 को टाइम t = 1/4 बोल दो, 0.25 बोल दो, इस पर ओपन कर दिया. इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को VL कहा गया है. मुझे VL को लेकर कुछ कमेंट्स करने हैं. मैंने कहा देखो जी ऐसा है, इसको क्लोज रखते हैं, इसको क्लोज रखते हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 4 ओम. अच्छा, S1 को ठीक जैसे ही आप बंद करोगे ना, S1 को क्लोज करते जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप है सारा का सारा एक बार इंडक्टर के अक्रॉस ही होता है. इंडक्टर कोई करंट फ्लो नहीं होने देता, सारा उसी के अक्रॉस होता है. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट होगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है. फिर दूसरे में S2 को खोलने के ठीक पहले, अब देखो बेटा जी, जैसे ही अपन ने S2 को ओपन किया, S2 को ओपन करते ही, ओपन करने से पहले तो ये 4 ओम, तो सर्किट में करंट जो फ्लो कर रहा होगा दैट विल बी 10/4 इंटू 1 - e^2 5/2. बोलो सही, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है LdIdt 1 इंटू में di/dt दैट इज 5/2, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e^-t/2 डिवाइडेड बाई -2, तो प्लस हो जाएगा. टो की वैल्यू L/R होती है, L की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 4 है, तो 5/2 इंटू में 1/4, साथ में ये वाला जो डाटा है ये e^-1 आ जाएगा. जैसे ये डाटा -1/1 ये कैंसिल आउट हुआ 2 times, दिस डाटा इज 10 डिवाइडेड बाई ई. तो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसको खोलने से ठीक पहले दैट इज 10/E. अच्छा, इसको ओपन करने के ठीक बाद, ओपन करने के ठीक बाद इंडक्टर जो है एक बार करंट में चेंज नहीं होने देगा, वो एट दैट इंस्टेंट, ठीक बाद ही बोल रखा है, तो एट दैट इंस्टेंट करंट जो है वो ये हो गया. अब सुनो बेटा जी, यदि करंट की वैल्यू 5/2 1 - 1/E है और ये रेजिस्टेंस है 20 ओम का, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो गया वो गया 50, साथ में 1 - 1/E. सुनो, यदि ये 0 है तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये तो खत्म, यहां पर 50 1 - 1/E है और इधर बैटरी की वजह से 10 है, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू दिस माइनस दिस, तो ये डाटा दिस माइनस दिस जैसे ही अपन करेंगे, चाहे ये माइनस ये कर दो, दिस वैल्यू विल बी 40 माइनस में 50 डिवाइडेड बाई ई, दिस विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर. सो अकॉर्डिंग टू दिस 3rd one इज द करेक्ट आंसर. बोलो ठीक बात है क्या, मैग्नीट्यूड के बेसिस पर बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो 1, 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 6. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि गिवन अरेंजमेंट जो है उसमें एक कैपेसिटर है जिसपे कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफेरेड है, दो इंडक्टर्स हैं L1 और L2 और इनिशियली इस पे 10 माइक्रो मिलीकुलम का चार्ज है. केवल K1 को क्लोज करते हैं तो इस पर मैक्सिमम करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोले जी हाफ L1 इंटू I1² Q² / 2C, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम करंट 10 mA आता है, तो दिस डाटा इज रॉन्ग. दूसरा, जब इसमें मैक्सिमम करंट सोल्व करेंगे तो इसको लिख देंगे हाफ L2 इंटू में I2² और इसके बेसिस पर जब सोल्व करेंगे तो मैक्सिमम करंट जो है वो 5, डाटा आपको गिवन है बेटा जी, पुट करो, आंसर बिल्कुल सटीक आएगा, 5 mA आ गया. तीसरे में कहा गया मैक्सिमम करंट थ्रू इंडक्टर L2 व्हेन बोथ द कीज आर क्लोज्ड, जब दोनों कीज क्लोज होंगी. ठीक बात है, देखो बेटा जी, तो चलिए अपन इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं एक बार, है ना, L1 L2 और C के साथ. जैसे ही अपन इस एनालिसिस में पहुंचते हैं ना बेटा जी, देखिए जैसे यहां पर इंडक्टर मेरे पास L1 लगा हुआ है, यहां पर कैपेसिटर मेरे पास C लगा हुआ है और यहां पर इंडक्टर मेरे पास L2 लगा हुआ है. ठीक है, मैंने कहा क्लोज कर लिया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इधर करंट I1 है, इधर करंट I2 है और इधर से करंट जो जा रही है दैट करंट इज I. तो अपन इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं, मैंने कहा किसी इंस्टेंट पर यदि इस पर चार्ज C है तो Q/C, इसकी वैल्यू L1 di1/dt के इक्वल होगी. सिमिलरली इसकी वैल्यू L2 di2/dt के इक्वल होगी. सही, अपन कह सकते हैं कि भाई साहब I1/I2 की वैल्यू जो होगी इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू L2/L1 के इक्वल आएगी और I1+I2 इज I, तो I की वैल्यू di/dt जो है ना उसको मैं लिख सकता हूं di1/dt + di2/dt और यहां से di1/dt जो है प्लस में di2/dt जो है ना बेटा जी di2/dt इसको इस वाले फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूँ L1/L2
इनटू में डी आई वन बाई डी टी। तो मैं क्या करता हूं इस इक्वेशन में, मतलब क्यू बाई सी इज इक्वल टू एल वन डी आई वन बाई डी टी। इस इक्वेशन में डी आई वन बाई डी टी को रिप्लेस कर देता हूं किससे, कि डी आई वन बाई डी टी दैट वैल्यू कम्स एज एल टू अपॉन एल वन प्लस एल टू इनटू में डी आई बाई डी टी डी आई बाई डी टी। जैसे ही ये डाटा मैंने यहां पुट किया तो ये बन गया एल वन एल टू अपॉन एल वन प्लस एल टू साथ में डी आई बाई डी टी दैट वैल्यू इज क्यू बाई सी। यहां से यदि अपन मैक्सिमम करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करते चार्ज मैक्सिमम मतलब एनर्जी के बेसिस पर, तो सीधा सीधा मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं अपन। मैक्सिमम करंट की वैल्यू के लिए मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूं कि क्यू स्क्वायर बाई टू सी इज इक्वल टू हाफ एल इक्विवेलेंट दैट इज एल वन एल टू अपॉन एल वन प्लस एल टू इंटू में आई स्क्वायर। यहां से अपन मैक्सिमम करंट सोल्व कर सकते हैं और मैक्सिमम करंट की हेल्प से मैक्सिमम करंट इन एल वन कैलकुलेट कर या एल टू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डाटा बिल्कुल आप सोल्व करोगे तो इसका डाटा जो आएगा दैट थर्ड वन करेक्ट आंसर आएगा, सेकंड अपना पहले करेक्ट आ चुका है, और फोर्थ वाले की जब आप बात करोगे यहां पर ये गलती से अधिकतम लिखा हुआ आपके पेपर में ये न्यूनतम लिखा हुआ है बेटा जी। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा दैट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है ना वो अपने पास होता है ओमेगा की वैल्यू जो होती है ना वो रूट वन बाई रूट एल सी के इक्वल होती है। टाइम पीरियड जो होता है ना इस सर्किट का वो टू बाई रूट एल सी के इक्वल होता है। तो जब ये दोनों क्रीज क्लोज होंगी ना तो L इफेक्टिव की वैल्यू L1 एबल टू अपॉन L1 प्लस L2 आएगी दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ L। तो इन दैट केस टाइम पीरियड इज आल्सो मिनिमम, सो 1, 3 and 4 आर द करेक्ट आंसर्स। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जेई एडवांस का एक आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि इन द फिगर बिलो द स्विचेज S1 एंड S2 आर क्लोज्ड साइमल्टेनियसली एट t इज इक्वल टू 0 एंड द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन द सर्किट, बोथ द बैटरीज हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द पोलैरिटीज आर एज इंडिकेटेड इन द फिगर। Ignore mutual inductance between the inductors. The current I in the middle wire reaches its maximum magnitude at this time. तो हमें ये बतलाना है कि maximum magnitude कितना होता है और किस time पर ऐसा होता है, ठीक है सर? तो मैंने कहा देखो ऐसा है, इस circuit में current flow करेगा ऐसे और इस circuit में current flow करेगा ऐसे। यदि मैं चलिए एक बार diagram बना लेते हैं फिर बात को शुरू करते हैं। This one is R, this one is L. Here is the battery. Similarly, this one is R, this one is 2L, and here is the battery with this polarity. तो इसमें से करंट ऐसे जाएगा, इसमें से करंट ऐसे जाएगा। तो इसमें से नेट करंट यदि मैं इसको I1 कहता हूँ, इसको I2 कहता हूँ, तो नेट करंट की वैल्यू जो होगी I1 माइनस I2 होगी। I1 की वैल्यू तो मेरे पास होगी V by R, 1 माइनस e raised to the power minus t divided by 2L by R, माइनस में V by R, साथ में 1 माइनस e raised to the power minus t divided by L by R. V by R से V by मतलब वन वाला डाटा तो सही हो गया, V by R कॉमन आ गया। दिस डाटा कम्स एज e raised to the power minus RT by L माइनस में e raised to the power minus RT divided by 2L। मैक्सिमम करंट की बात करनी है, डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो V by R, दिस डाटा इज e raised to the power minus TR by L साथ में L by R और माइनस माइनस, इधर माइनस हो जाएगा इसमें प्लस और माइनस ही पड़ा रहे तो इसको बराबर लिख देते हैं सीधा सीधा R by 2L e raised to the power minus RT divided by 2L। R by L से R by L सही हो गया बेटा, ये 1 by 2 बचा, इधर पावर 1 है माइनस में, इधर माइनस 1 by 2 तो माइनस 1 by 2 बच गई। तो e raised to the power minus RT by 2L that value comes as 1 by 2 that's integrate log ले लेते हैं। तो माइनस TR divided by 2L is equals to minus of log, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो टाइम की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है जिस पर करंट मैक्सिमम है दिस वैल्यू कम्स एज दिस। तो अच्छा इस टाइम पर सर्किट में करंट की वैल्यू जो सोल्व करेंगे ना इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन में पुट करने के बाद करंट की वैल्यू जो है दैट इज v बाय 4r, और टाइम कांस्टेंट जो अपने पास कैलकुलेट होकर आ रहा है दैट इज मतलब टाइम कांस्टेंट नहीं मतलब वो टाइम जब सर्किट में करंट मैक्सिमम है दैट इज 2l बाय r साथ में log 2। बोलो ठीक बात है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 8 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9 कि एक LCR सर्किट है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट का है, इंडक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 10 ओम और 5 ओम के हैं, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट एंड करंट इज 30 डिग्री, देन पिक अप द करंट स्टेटमेंट। ये बोला गया है कि वोल्टेज और करंट के बीच में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो 30 डिग्री की वैल्यू tan 30 इज x / r, बोलो सही, tan 30 किसके इक्वल होता है 1 / √3।
इंडक्टिव और कैपेसिटिव 10 माइनस 5 दैट इज 5, ये डाटा 5 है, तो रेजिस्टेंस जो सर्किट का निकल के आता है दैट इज 5√3, तो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 5√3 है, सर्किट में करंट की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 5√3, तो सर्किट में वैल्यू 2/5√3 करंट की वैल्यू। सोर्स का वोल्टेज पूछा गया, तो अपन इसको ऐसे ही लिखते हैं कि भाई सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, तो सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करंट की वैल्यू आपके पास सर्किट में आ गई कितनी आई 2/5√3, तो आई इंटू जेड लिख सकते हैं अपन, तो आई इज 2/5√3 मल्टीप्लाइड विद जेड की वैल्यू निकालोगे तो ये 5 और ये 5√3 है, दैट इज 5 × 2, 5 से 5 गया, तो सोर्स का वोल्टेज जो मेरे पास निकल के आ रहा है दैट इज 4/√3, तो अकॉर्डिंग टू दिस 1 2 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर। 5 × 2 समझ में आ गया, अंडर रूट में 5 स्क्वायर प्लस बेटा जी 5√3 का स्क्वायर, तो 5 तो कॉमन डाला, 1 + 4 = 3 दैट इज 4, 4 का अंडर रूट कितना 2, सो दैट वैल्यू इज 5 × 2। बोलो ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ाते हैं 9 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर लूप है, डी ग्रेटर देन 2R है, और ये कंडक्टर लूप जब इसके अंदर एंटर कर रहा है तो इसमें करंट की डायरेक्शन बतानी है। देखो ऑब्वियसली जब कंडक्टर लूप इसके अंदर इनसाइड कर रहा होगा तो इनसाइड वाला फ्लक्स बढ़ेगा, तो हमारा फ्लक्स आउटसाइड में, और आउटसाइड के लिए करंट कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। यदि इनसाइड में मतलब जब एंटर कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब एग्जिट मारेगा तो क्लॉकवाइज होगी ही होगी, तो क्लॉकवाइज वेल नीडी, और जब अंदर कंप्लीटली इनसाइड मूविंग होगा तो एट दैट इंस्टेंट ईएमएफ विल बी जीरो, सो करंट इज आल्सो जीरो, सो अकॉर्डिंग टू दैट 2, 3 और 4 आर द करेक्ट आंसर्स। बोलो ठीक है, चलिए सर अगले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन इज न्यूमेरिकल वैल्यू सेक्शन, इसमें अपने पास 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव भी है आपके लिए, और इसमें कुछ चीजें मानी गई हैं जिनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर देना है। बोला गया कि दो लंबे लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं, ये रहे, एक दूसरे के पैरेलल है, तीसरा वायर इनके पैरेलल है जो कि करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर दैट कैरीज ये करंट आई नोट साइन ओमेगा टी, द वायर्स आर एट अ डिस्टेंस d1 एंड d2 फ्रॉम द कंडक्टर, द कंडक्टर इंड्यूसेस अ नॉइस इन द टेलीफोन सर्किट, टेलीफोन सर्किट में नॉइस इंट्रोड्यूस करता है, कैसे करता है एक्चुअली में ना, फ्लक्स चेंज बिटवीन द टेलीफोन वायर्स पर यूनिट लेंथ पैरेलल टू द वायर्स इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंफॉर्मेशन थी ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो वो जो नॉइस इंट्रोड्यूस हो रही है वो फ्लक्स चेंज की वजह से हो रही है, वो भी वायर्स के पैरेलल पर यूनिट लेंथ पर। बोलो ठीक है, अच्छा जी, तो हमें ये बतलाना है कि उस ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू जो आ रही है व्हाट इज दैट वैल्यू। ठीक है साहब, हमने कहा देखो ऐसा है, ये केस है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई का, हमने कहा यहां से एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स थिकनेस का एक एलिमेंट लिया और इस ये वाली लेंथ ले ली एल, तो फ्लक्स जो आया वो आया म्यू नॉट आई अपॉन इसको कैपिटल कर दो 2π इनटू में डिस्टेंस एक्स साथ में एल डीएक्स, तो म्यू नॉट एल अपॉन 2π साथ में आई एंड दिस वैल्यू इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन एक्स, और डिस्टेंस आ रही है d1 से d2 तक, d2 डबल है, तो म्यू नॉट आई एल अपॉन 2π साथ में log 2 अपने पास आ गया, दिस इज द फ्लक्स। अब फ्लक्स चेंज पर यूनिट लेंथ, तो d5 बाई dt करोगे तो साथ di बाई dt लगेगा और साथ में 1/L और लगाओ log 2 साथ में di बाई dt इज i नोट ओमेगा cos ओमेगा t, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये वाला डाटा नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद हमें कुछ वैल्यूज और दी गई है, ठीक है, उसको यूज कर लेंगे अपन। म्यू नोट की वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये नहीं आएगा, और आरएमएस वैल्यू के लिए रूट टू लगा देंगे साथ में, तो म्यू नोट अपॉन 2π log 2, आई नोट की वैल्यू साथ में 2 अपन ने और लगा दिया, आई नोट की वैल्यू जो है उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, आई नोट की वैल्यू दी गई है 2√2/log 2, 2√2/log 2 ये रूट टू लगेगा ना आरएमएस के लिए, तो 2√2 तो गया, log 2 गया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा नोट, ओमेगा ओमेगा की वैल्यू दी गई है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से यदि मैं बात करूं, देखो म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ होती है, 4π × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय पाई, और लगा इधर वाला जो डाटा लगा वो वाला डाटा मेरे पास लग रहा है 5, तो यहां से पाई से पाई सही हो गया, दिस वैल्यू इज 20 × 10⁻⁷, और हमें जो वैल्यू बतलानी है वो इंटीजर में बतलानी है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मेरे को दिया गया दैट इज 2, मतलब माइक्रोवोल्ट में बतलानी है, आई थिंक माइक्रोवोल्ट में ही पूछा गया ना,
माइक्रोवोल्ट में आंसर देना है, तो दैट वैल्यू विल बी 2 माइक्रोवोल्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस 02.00 दैट इज द करेक्ट आंसर. बोलो ठीक बात है क्या सर. चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि लूप ए है, कैपिटल ए, उसकी रेडियस स्मॉल आर है और स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, टुवर्ड्स ए स्टेशनरी करंट कैरिंग लूप कैपिटल बी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी सच दैट देयर प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके, एंड कोएक्सियल, ओके, डिस्टेंस बिटवीन द लूप्स व्हेन द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम है. मैंने कहा भाई साहब देखो फ्लक्स की वैल्यू जो होगी ना किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मान लो जब ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स कह दो अपने अकॉर्डिंग, जिसको डी एक्स बाई डी टी के बेसिस पे बात कर लेंगे, तो उस टाइम फ्लक्स की वैल्यू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इनटू में टू टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2 होता है. ईएमएफ जो होगा दैट इज डी फाइव बाई डी टी, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा एक्स के रेस्पेक्ट में. और सोचो जब ईएमएफ मतलब करंट मैक्सिमम है या फिर ईएमएफ मैक्सिमम है तो डीई बाई डी टी इसकी वैल्यू जीरो होगी, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि उस टाइम पर देखो यदि ये फ्लक्स है तो वो डी फाइव बाई डी टी और डी टू फाइव बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी, या फिर मैं ये कहूं कि भाई साहब फ्लक्स ही तो चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, लूप का एरिया तो बदल नहीं रहा, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो क्या दिक्कत है, ये लो. तो हम ये कह सकते हैं भाई साहब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये बी पर डिपेंड कर रहा है, फाई प्रोपोर्शनल है बी के, ई प्रोपोर्शनल होगा डीबी बाई डी टी के, डीई बाई डी टी प्रोपोर्शनल होगा डी टू बी बाई डी टी स्क्वायर के, मतलब उस पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव जो है ना मैग्नेटिक फील्ड का दैट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू जीरो, और सेकेंड डेरिवेटिव जहां जीरो होता है वो अपने को पता है नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अपन जिनको बोलते हैं, और उनकी वैल्यू जो होती है इस वाले केस में सेकेंड डेरिवेटिव जीरो पुट करके सोल्व करोगे तो उसकी वैल्यू अपने पास आर बाई टू निकल के आएगी. कैपिटल आर की वैल्यू 6 लेनी है, आर बाई टू की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 3, सो 3 इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. कि सर्किट डायग्राम दिखाया गया है और चार्ज क्यू जो है वो इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 4 के अकॉर्डिंग वेरी करता है, क्यू कूलम्ब में है, टाइम सेकंड में है, वी ए भी बताना है मेरे को किसी टाइम टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पर. मैंने कहा भाई साहब देखो ऐसे लिखूंगा वी ए माइनस में क्यू बाई सी माइनस में एल डी आई बाई डी टी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर पॉजिटिव है ऑब्वियसली वो डिक्री पॉजिटिव चार्ज है ना, और साथ में माइनस में आई आर इज इक्वल टू वी बी. तो मैंने कहा भाई साहब वी ए माइनस वी बी की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज क्यू बाई सी, तीन सेकंड पर ये वाला डाटा 9 - 4 दैट इज 5 5/5 प्लस में एल, एल की वैल्यू 1/2 डी आई बाई डी टी आई की वैल्यू जो है क्यू, आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी दैट इज 2t और डी आई बाई डी टी इज 2 सो इट इज 2 प्लस में आई. टी इज इक्वल्स टू 3 सेकंड पर करंट की वैल्यू कितनी आएगी 6 इंटू में रेजिस्टेंस कितना दिया गया 1 एंड दैट वैल्यू इज वी ए माइनस वी बी, सो दिस इज 1 दिस इज 1 दिस वन इज 6. तो ई एम एफ मतलब वी ए माइनस वी बी की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस बोलना चाहिए दो पॉइंट्स ए और बी के बीच पर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 8 वोल्ट. बोलो ठीक है. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 3 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4. 4 में बोला गया कि दो कॉइल्स हैं 1 और 2 और उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम है, रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है, कॉइल 1 में जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज के टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है टाइम के साथ. तो टाइम 0 से कैपिटल टी में कॉइल 2 से जो टोटल चार्ज फ्लो करके गया उसकी वैल्यू ये है, आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1/λ. हमने कहा जी ठीक बात है. देखो जी सबसे पहली चीज तो ये कि उसमें से जो ईएमएफ होगा दैट ईएमएफ विल बी एम इनटू में डीआई बाय डीटी दैट इज 2kt, तो उसमें से जो करंट होगा I2 दैट विल बी डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस और ये कैपिटल एम और स्मॉल एम एक ही चीज है, ठीक है आपके पेपर में ठीक रहेगा ये कैपिटल एम. तो ये वाला डाटा मेरे पास आ रहा है, अब इसके बेसिस पे बात करूं तो करंट I2 के बेसिस पे चार्ज की बात करेंगे तो 2kmr साथ में टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टोटल चार्ज के लिए इंटीग्रेट कर देंगे. अब इसकी वैल्यू अपने पास km टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r साथ में लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 के इक्वल दी गई है. देखो यदि आप यहां से सोल्व करते हो तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये डाटा 1 है ये 1 है तो मतलब माइनस लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू जो है वो लैम्डा के इक्वल है तो ये इधर आया तो 1 की वैल्यू 2 लैम्डा के इक्वल है, इसका मतलब 1/λ की वैल्यू जो है वो सोल्व करने पर अपने पास कितनी निकल के आ रही है 2. So 2 is the correct answer for this question.
चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव में कह रहा है दो कैपेसिटर्स हैं, उनका कैपेसिटेंस सी और थ्री सी है और उनको पोटेंशियल वी नोट तक चार्ज किया गया है, एक को वी नोट तक दूसरे को टू वी नोट तक, और डायग्राम के अकॉर्डिंग जोड़ा गया इंडक्टर से। इनिशियली करंट इन द इंडक्टर इज जीरो, स्विच को क्लोज कर दिया, मैक्सिमम करंट बतलानी है इंडक्टर से। देखो जी साहब ऐसा है, बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने की, कि जब सर्किट में से इंडक्टर में से करंट मैक्सिमम होगी ना तो डीआई बाई डीटी जीरो होगा। डीआई बाई डीटी जीरो होगा मतलब उस पॉइंट पर इस इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो, जो भी होना है इसके अक्रॉस होना है और ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो भाई साहब इनके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यदि ये दोनों पैरेलल में, तो इनके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के अक्रॉस सेम होगा, मतलब V और V ही होगा दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। यदि V और V हुआ तो इन पर चार्ज कितना हुआ, 4CV, और इनिशियल यदि प्लेट्स के अकॉर्डिंग चार्ज की बात करें, दिस इज 6V0 माइनस CV0, दैट इज 5V0 CV0, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू जो अपने पास आएगी, दैट वैल्यू विल बी 5V0 डिवाइडेड बाई 4। अब इसके अक्रॉस 5V0 बाई 4 है, इसके अक्रॉस 5V0 बाई 4 है, इंडक्टर से उस टाइम पर करंट बतानी है, तो अपन नाउ वी कैन अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो सबसे पहले एनर्जी हाफ सी वी नोट स्क्वायर प्लस में हाफ इंटू में 3C इंटू में 2V0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, साथ में C प्लस 3C इंटू में वी स्क्वायर प्लस हाफ LI स्क्वायर। अब देखो जी साहब ऐसा है, ये डाटा सी वी नोट स्क्वायर बाई 2 एंड दिस डाटा इज 4/2 दैट इज 2, तो 6 12/2 दैट इज 6 प्लस CV नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस में दिस इज 12 CV0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4C/2 इंटू में V स्क्वायर इज 25V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस में हाफ LI स्क्वायर। एक काम करते हैं, हाफ को तो सब कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हाफ ये हाफ ये हाफ और ये हाफ, दिस इज 13 13 4 52 52 माइनस में 27 25 27, तो 27 CV0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट वैल्यू इज LI स्क्वायर। मेरे को करंट I की वैल्यू मिली एम्पियर में कैलकुलेट करनी है, 27 व्हाट इज द इंडक्टेंस, दैट इज 12 × 10⁻⁶, व्हाट इज V0 इज 1, तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, व्हाट इज द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इज 1, सो दिस इज I स्क्वायर, कैंसिल आउट हुआ 3 times, सो दिस वैल्यू इज 81 का अंडर रूट 9, तो 9 × 10⁻³, दिस इज द मैक्सिमम करंट फ्रॉम द इंडक्टर, That is what 9 mA। बोलो ठीक बात है क्या सर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। देखो 6 में बोला गया है कि दो कंसेंट्रिक कोप्लेनर रिंग्स हैं, आउटर रिंग की रेडियस 4 मीटर है, इनर रिंग की रेडियस 1 mm है, रेजिस्टेंस 1 ओम है और सेल्फ इंडक्टेंस 2 mH है। इनिशियली द आउटर एंड इनर रिंग्स हैव द करंट दिस एंड दिस और दोनों ही क्लॉकवाइज सेंस में। उसके बाद कुछ टाइम के बाद इनर रिंग में तो करंट जो है वो 3 एम्पियर क्लॉकवाइज है और आउटर रिंग में 5 × 10⁶ एंटी क्लॉकवाइज है, तो इनर रिंग से जो टोटल चार्ज फ्लो करके गया है दैट इज Q0 माइक्रो कूलम, हमें उस चार्ज की वैल्यू बतलानी है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, देखो जब भी आउटर रिंग का करंट चेंज होगा तो इनर रिंग में EMF इंड्यूस होगा, इनर रिंग का सेल्फ इंडक्टेंस भी है, तो इनर रिंग के लिए मैं लिख सकता हूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को लूप की इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो लूप की इक्वेशन के फॉर्म में कुछ इस टाइप से पुट किया जा सकता है। बोलो ठीक है क्या? E-IR साथ में -LdI/dt, बोलो सही? अच्छा जी, अब उसके बाद मेरे को कैलकुलेट क्या करके बतलाना है कि भाई साहब उस टाइम ड्यूरेशन में इनर रिंग से चार्ज कितना फ्लो करके गया। लेकिन से E की वैल्यू जो होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज d∅/dt, -LdI/dt एंड दैट वैल्यू इज, अब देखो ये जो करंट है ना ये इनर रिंग का करंट है, ये भी इनर रिंग का करंट है, और यदि फ्लक्स वाले में लिखेंगे ना तो फ्लक्स वाले में जब अपन राइट कर रहे होंगे तो अपन आउटर रिंग का करंट रख रहे होंगे, इंटू में आई दैट इज δQ/δt इंटू में रेजिस्टेंस आर, इसको भी δt कहते हैं, इसको भी δt कहते हैं, तो कैंसिल आउट हो गया। तो चार्ज जो फ्लो करके गया दैट इज चेंज इन फ्लक्स, दैट इज म्यू नोट इंटू में 2R
इंटू में डेल्टा आई इनर का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस में एल इंटू में डेल्टा स्मॉल आई इनर में चेंज डिवाइडेड बाई इसमें भी अपन रेजिस्टेंस कैपिटल आर रख देंगे। बोलो ठीक है क्या सर? अच्छा अब इसके अकॉर्डिंग यदि इसमें अपन डाटा पुट करके और आंसर कैलकुलेट करते हैं तो इसमें से जो चार्ज फ्लो होके जाता है दैट चार्ज कम्स इज 3 माइक्रोकूलम। मैंने सोल्व करके रखा हुआ पहले पैरेलली, तो हमें वो बोला गया है कि दैट इज क्यू नॉट माइक्रोकूलम। सो अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है क्या बात? चलिए सर, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय दैट्स ऑल इन दिस डिस्कशन फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं फिर बाद में, तब तक के लिए गुड बाय।